जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के छोटे छोटे दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस क्रम में पहले हम चर्चा करेंगे द्विरुक्ति। द्विरुक्ति क्या है? उम्मीद है इस शब्द से आप सब परिचित होंगे। तो द्विरुक्ति जिसका मतलब होता है दोहराना, द्विरुक्ति जिसका मतलब होता है दोहराना, मतलब एक ही युक्ति को क्या होगा, एक ही युक्ति को बार बार दोहराना द्विरुक्ति कहलाता है। द्विरुक्ति क्या है? तो द्विरुक्ति जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोहराना, एक ही उक्ति को, मतलब एक ही बात को, एक ही उक्ति को मतलब एक ही बात को बार बार दोहराना द्विरुक्ति कहलाता है। जैसे पानी पानी, उसके बाद आते आते, कहता है कि हिंदी में जब एक ही शब्द को, एक ही उक्ति को बार बार रिपीट किया जाए या एक ही शब्द को पुनः दूसरी बार बोल दिया जाए या लिख दिया जाए तो उसे हम द्विरुक्ति के नाम से जानते हैं। द्विरुक्ति जिसका मतलब दोहराना, एक ही उक्ति को बार बार दोहराना, मतलब बोलना, उच्चारण करना या लिखना द्विरुक्ति कहलाता है। द्विरुक्ति के कई रूप हैं, जैसे नंबर एक में द्विरुक्ति के रूप की बात करें तो द्विरुक्ति के कई रूप है। जैसे नंबर एक में हम पढ़ेंगे संज्ञा के द्विरुक्ति, संज्ञा के द्विरुक्ति। संज्ञा मतलब होता है नाम, संज्ञा कुछ ऐसे शब्द है जो नाम के बगल में ही नाम आया था, जैसे कौड़ी कौड़ी, कौड़ी कौड़ी, बुंद बुंद, मतलब संज्ञा के द्विरुक्ति। कौड़ी कौड़ी, कौड़ी किसी का नाम होगा, बुंद किसी के नाम होगा, कौड़ी कौड़ी, बुंद बुंद, पानी पानी, घर घर, द्वार द्वार, घर घर, द्वार द्वार, ये जो शब्द हो गए ये आपके हो गए संज्ञा के द्विरुक्ति, मतलब संज्ञा है लेकिन बार बार आ रहा है। दूसरा हो गया सर्वनाम के द्विरुक्ति, सर्वनाम के द्विरुक्ति की बात करते हैं। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के बदले में आ जाए, सर्वनाम हो जाएगा अपना अपना, अपना अपना, किस किस किस, कुछ कुछ, तीसरा आ जाएगा विशेषण,
की द्विरुक्ति, विशेषण मतलब जो विशेषता बतलाने वाला हो, जैसे छोटे छोटे, बड़े बड़े, छोटे छोटे, बड़े बड़े, लाल लाल, पीला पीला, काला काला, हरा हरा, इस प्रकार की जो द्विरुक्ति होगी इसको हम विशेषण की द्विरुक्ति के नाम से जानते हैं। फिर आएगा चार में क्रिया की द्विरुक्ति, क्रिया के द्विरुक्ति में क्या होगा, आते आते, जाते जाते, रहते रहते, हंसते हंसते, आते आते, जाते जाते, हंसते हंसते, रोते रोते। तो आप समझ गए होंगे कि द्विरुक्ति क्या है। तो हिंदी के वे शब्द जिसे हम बार बार दोहराते हैं द्विरुक्ति कहलाता है। द्विरुक्ति के कई रूप हैं। नंबर एक में संज्ञा के, सर्वनाम के द्विरुक्ति, विशेषण के द्विरुक्ति, क्रिया के द्विरुक्ति, इसी प्रकार क्रिया विशेषण की द्विरुक्ति। क्रिया विशेषण की भी द्विरुक्ति होगी, जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, पास पास, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। फिर आ जाएगा पास पास। तो ये जो शब्द हो गए आपके ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, ये हो गए आपके क्रिया विशेषण द्विरुक्ति। इसके अलावा विस्मयादि बोधक शब्द की द्विरुक्ति, और विस्मयादि बोधक शब्द की द्विरुक्ति में कौन आ जाएगा, विस्मयादि बोधक की द्विरुक्ति में वाह वाह, राम राम, हरे हरे, तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि द्विरुक्ति क्या है। हमने कहा द्विरुक्ति जिसका मतलब होता है दोहराना, एक ही उक्ति को, एक ही शब्द को बार बार दोहराना द्विरुक्ति कहलाता है। जैसे पानी पानी, आते आते। द्विरुक्ति के कई रूप हैं, जैसे संज्ञा की द्विरुक्ति, कौड़ी कौड़ी, बूंद बूंद, घर घर, द्वार द्वार, सर्वनाम की द्विरुक्ति, अपना अपना, किस किस, कुछ कुछ, विशेषण की द्विरुक्ति, छोटे छोटे, बड़े बड़े, क्रिया की द्विरुक्ति में आते आते, जाते जाते, हंसते हंसते, रोते रोते, क्रिया विशेषण के द्विरुक्ति, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, पास पास, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, विस्मयादि बोधक के द्विरुक्ति में वाह वाह, राम राम, हरे हरे। मतलब इसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा तो द्विरुक्ति क्या है, या कोई उदाहरण दे देगा और पूछ देगा कि वाह वाह या अपना अपना द्विरुक्ति है किसका, तो सर्वनाम के द्विरुक्ति, या पहचानना सिखाएगा आपको कि संज्ञा के एक द्विरुक्ति कौन है। चार ऑप्शन देगा, पूछेगा संज्ञा के द्विरुक्ति इसमें कौन है, या चार ऑप्शन देगा, पूछ देगा इसमें कौन सर्वनाम की द्विरुक्ति है, कौन क्रिया विशेषण की द्विरुक्ति है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो याद रखेंगे द्विरुक्ति बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन कई बार एक अंक का प्रश्न यहां से पूछा जाता है। एक छोटा सा और टॉपिक चर्चा करते रहे हैं, इसका नाम होगा अनुतान। आइए छोटा सा और टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इस छोटे टॉपिक का नाम होगा अनुतान। क्या होगा? अनुतान। अनुतान क्या है?
तो अनुतान को हम सूर लहर भी कहते हैं, सूर लहर। अनुतान क्या है या अनुतान किसे कहते हैं? तो मुंह से जब कोई ध्वनि निकलती है, मुंह से जब कोई ध्वनि निकलती है तो वह ध्वनि लहरियों के रूप में बाहर आती है। मुंह से जब कोई ध्वनि निकलती है तो ध्वनि लहरियों के रूप में, अगर हमने लिखा क तो क एक ऐसे ऐसे करके बाहर निकलती है, तो मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसके साथ कुछ लहर लपेटा आगे क्यों बढ़ती जाती है, तो उसी ध्वनि के लहरियों को, मतलब कहा जाए ध्वनि के लहरियों को अनुतान कहते हैं। अनुतान क्या है? तो मुंह से उच्चारण करते समय ध्वनि की जो लहरियां निकलती है उसे हम अनुतान के नाम से जानते हैं, या शब्द या वाक्य को बोलते समय, शब्द को बोलते समय इसको यू भी लिख सकते हैं, शब्द अवलिक वाक्य को बोलते समय शब्द या वाक्य को बोलते समय या बोल सुरों या तानों की जो लहर उठती है, बोलते समय सुर अवलिक तान की लहर उठती है उसे ही क्या कहेंगे? अनुतान कहते हैं। मतलब शब्द या वाक्य को बोलते समय सुर या तान की जो लहर उठती है उसी लहर को हम अनुतान कहते हैं, या इसको यू भी कह सकते हैं अनुतान क्या है? तो सुर वह सुर लोहर वह सुर वह सुर लहर जिसके कारण वाक्य में वाक्य के शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाए, वह सुर लहर जिसके कारण वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाए। क्या कहलाएगा? सुरलहर या अनुतान कहलाता है। और इसके ये जो आपका अनुतान है इसके तीन रूप देखने को मिलता है, मतलब कोई भी बात होता है कोई भी शब्द होता है तीन प्रकार का होता है, सामान्य कथन, दूसरा प्रश्न सूचक कथन, तीसरा है विस्मय सूचक कथन। मतलब अनुतान के तीन रूप हैं, हम किसी शब्द को बोलते हैं तो उसके तीन रूप ही देखने को मिलते हैं, या तो सामान्य रूप में बोलेंगे सीधी साधारण सी बात, या तो प्रश्न पूछने के संदर्भ में बात को बोलते हैं, या आश्चर्य की बात बोलते हैं। शब्द जैसे एक ही बात लेते हैं, वह पढ़ रहा है, एक शब्द क्या है वह पढ़ रहा है, क्या हो गया पूर्ण विराम दिए, वह सामान्य बात है सामान्य कथन है, क्या वह पढ़ रहा है, लेकिन इसी बात को पढ़ने वाला की बात को चेंज कर दे कि क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है ऐसा हो तो यहां क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा,
मतलब प्रश्न सूचक कथन तो वही है लेकिन प्रश्न पूछने के सेंस में है। अरे वह पढ़ रहा, अगर इसी को चेंज कर दे, अरे वह पढ़ रहा है, तो यहां पर है विस्मय सूचक कथन और विस्मय सूचक कथन के अंत में ऐसा चिन्ह लगा देते हैं। मतलब ये जो पूर्ण विराम हो गया इस सामान्य शब्दों के अंत में लगाते हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है प्रश्न सूचक कथन के अंत में लगाते हैं, और ये जो शब्द होते हैं जिसके नीचे पॉइंट होता है इसको हम विस्मय सूचक कथन के अंत में लगाते हैं। तो अनुदान तीन रूप में होते हैं, शब्द तीन रूप में बोलते हैं वाक्य को हम, सामान्य कथन, प्रश्न सूचक कथन और विस्मय आदि बोधक या विस्मय सूचक कथन। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद, पुनः कल अगले टॉपिक कर लेकर आएंगे।